जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। आज मैं करने वाली हूँ थर्ड पार्टी बेस्ड रीडिंग। चेक इन करेंगे कि करेंट एनर्जीज क्या है और 10-10 पोर्टल क्या चेंजेस लेकर आ रही है थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में। जिनको भी अपना और अपने पार्टनर के बीच में एनर्जी चेक इन चेंज देखना है वो प्रीवियस वीडियो को ज़रूर जाकर देख सकते हैं। उसमें मैंने आपके और आपके पार्टनर के बीच के एनर्जी शिफ्ट्स को दिखाया है और इंटरप्रेट करने की कोशिश की है कार्ड्स को, तो ज़रूर सपोर्ट करिएगा उस वीडियो को भी। चलिए स्टार्ट करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है कलेक्टिव लेवल पे। थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है इस वक्त मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कलेक्टिव लेवल पे क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में इस वक्त क्या चल रहा है व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में कलेक्टिव लेवल पे इस वक्त क्या चल रहा है जो स्पेस मुझे लाइव करें बताइए। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है प्लीज मुझे गाइड करना है। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है। वी हैव द नाइन ऑफ वॉन्ड्स कार्ड हियर, वी हैव द एट ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हियर टोटल्स। मेरे व्यूवर्स और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है कलेक्टिव लेवल पर मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच इस वक्त क्या चल रहा है। वी हैव द सेवन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड हियर, वी हैव द नाइन ऑफ कप्स कार्ड हियर, व्हाट एल्स। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी के बीच कलेक्टिव लेवल पे क्या चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच कलेक्टिव लेवल पे क्या चल रहा है। ओके, वी हैव द पेज ऑफ वॉन्ड्स हियर। ओके, वी हैव द फोर ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, सो जो चीज़ें मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि अभी ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे कोई एक तो ज़रूर है यहाँ पे जो कि एफर्ट्स बहुत लगा रहा है, इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की जा रही है, कुछ चीज़ों को एनालाइज किया जा रहा है कि कैसे रिश्ते को बचाया जाए, सुधारा जाए और एफर्ट्स लगाए जा रहे हैं और ये एफर्ट्स एक तरफा हैं, ठीक है। ऑल्सो मुझे नज़र आ रहा है कि आखिरी कोशिश जैसी की जा रही है, जैसे कि ऐसा भी लग रहा है कि बहुत लोगों के पार्टनर यहाँ मैरिड हो सकते हैं या मैरिज फिक्स हो गया है। सोच विचार कहीं ना कहीं अभी भी जारी है कि क्या ये डिसीजन सही है, क्या ये डिसीजन सही नहीं है, जिसको मैं अच्छा समझ रहा हूँ क्या वो सच में अच्छी है या सिर्फ मेरे दिल का वहम है, क्या ये निभा पाएगी क्या ये नहीं निभा पाएगी। तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हम इनिशियली एक रिश्ते में देखते हैं या क्वेश्चन हमारे दिमाग में आती है वो इस वक्त इनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रही है, जबकि बातें बहुत आगे पहुंच चुकी हैं, जबकि बातें मुझे यहाँ शादी तक जाते हुए नजर आ रही है, ठीक है। तो अब जो एक फाउंडेशन था ना कहीं नींव हिलती हुई नजर आ रही है, जो एक बेसिक फाउंडेशन होता है जहाँ पे लोग अक्सर सोचते हैं कि क्या ये पर्सन सही है मेरे लिए, क्या इसके साथ रिश्ते में जाना सही रहेगा, वो अब डिसाइड किया जा रहा है, अब सोचा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे एफर्ट्स, कहीं ना कहीं ये थर्ड पार्टी या तो आपके पार्टनर की, दोनों की वैसे किसी एक की एनर्जी डेफिनेटली है, उतना इनडेप्थ नहीं जाएंगे इस रीडिंग में, ठीक है। तो यस, मुझे डेफिनेटली नज़र आ रहा है जैसे कि या तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा ना
ऐसे भी नजर आ रहा है जैसे कि बहुत ज्यादा फाइनेंशियल गैपिंग है दोनों के बीच में, या तो थर्ड पार्टी एक्सट्रीमली रिच है और पैसों की वजह से आपके पार्टनर गए हैं, या तो आपके पार्टनर एक्सट्रीमली रिच है और उस वजह से थर्ड पार्टी अट्रैक्ट हुई है। यहाँ पैसों का ही खेल है, यहाँ सिर्फ एक ही कार्ड है जो नाइन ऑफ कप्स दिखा रहा है, अदरवाइज देन यहाँ पे कहीं भी कप्स की एनर्जी नहीं है, यानी कि प्यार कहीं भी मुझे नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ पैसे एंड एक्शन, पैसे एंड एक्शन, पैसे एंड एक्शन। तो यस, इस तरीके से तो रिश्ता बिल्कुल भी नहीं चलता है। अभी ये सोच रहा है कि क्या ये वही लड़की है, क्या ये निभा पाएगी मेरे साथ, क्या ये वैसी लड़की जैसा मैं अक्सर मैंने चाहा था अपनी जिंदगी में। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से इस रिश्ते की एनर्जी एज ऑफ नाउ मुझे चलते हुए नजर आ रही है। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चेंजेस लेकर आएगा 10-10 पोर्टल इन दोनों के बीच में। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में इस 10-10 पोर्टल में क्या होने वाला है, क्या चेंजेस लेकर आएगी 10-10 पोर्टल थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच कलेक्टिव लेवल पे, कलेक्टिव लेवल पे थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में क्या चेंजेस आने वाला है इस 10-10 पोर्टल में। ओके, प्लीज मुझे गाइड करें, बताएं 10-10 पोर्टल थर्ड पार्टी और मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच में क्या चेंजेस लेकर आएगी। ओके, we have the high priestess card, okay, we have the four of swords card, we have the king of pentacles card, we have the seven of swords card, okay, third party aur mere viewers ke partner ke beech 10-10 portal kya changes lekar aa rahe hain, 10-10 पोर्टल मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच क्या चेंजेस लेकर आ रही है। ओके, फिर से आया है एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, थर्ड पार्टी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बीच कलेक्टिव तौर पर 10-10 पोर्टल में क्या चेंजेस होने वाले हैं, जो मुझे गाइड करके बताइए। पेज ऑफ वॉन्ड्स फिर से आया है, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे अगेन नाइन ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो डेफिनेटली मुझे अब जो चीजें क्लियर हो रही है ना कि ये जो एफर्ट्स जिसकी मैंने बात करी, ठीक है, ये जो सोच विचार पिछले स्प्रेड में मैंने बताया ना, वो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की तरफ से होती हुई मुझे नजर आ रही है। क्यों? इसका रीजन है, ठीक है, इसका रीजन है क्योंकि यहाँ पे ना मुझे बहुत मेजर किसी तरीके का रेवलेशंस या किसी तरह की सच्चाई का सामने आते हुए मुझे नजर आ रही। थर्ड पार्टी की ना कोई बहुत बड़ी ऐसी बात है, कोई बहुत बड़ी ऐसी सीक्रेट है जो कि दिल तोड़ देने वालों में से है, कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को सोचने पे मजबूर कर रही है कि क्या ये वही लड़की थी जिससे मैंने प्यार किया था या जिसको मैंने चुना था अपने प्यार के ऊपर। तो ये चीजें कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर करी क्योंकि कोई तो सच है जो 10-10 पोर्टल डेफिनेटली थर्ड पार्टी को अनमास्क करने की तैयारी जैसे डिवाइन ने कर ली है। आप अपनी एनर्जी जाकर जरूर चेक करिएगा, मैंने आपकी एनर्जीज में भी कहा है कि डिवाइन किसी तरीके का वही प्लानिंग तो कर रही है जो कि रिश्ता जो है ना आपके फेवर में टेबल टर्न्स होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे नजर आ रहा है कि थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांगली अनमास्क होने वाली है। ऑल्सो मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है कि ये जो अनमास्किंग का प्रोसीजर होगा ना, ये बहुत ही पेनफुल होगा आपके पार्टनर के लिए। बेसिकली अगर कहें साफ शब्दों में तो कर्मा पेबैक का पीरियड आपके पार्टनर के लिए शुरू हो चुका है, वो बिल्कुल नम हो जाएंगे, बिल्कुल डेड एनर्जीज में चल जाएंगे, बिल्कुल कहते हैं ना जैसे कि अभी आपको ब्लॉक किया हो ना, उसी तरीके से थर्ड पार्टी को भी ब्लॉक करेंगे, चाहे थर्ड पार्टी साम दाम दंड भेद किसी भी चीज का इस्तेमाल कर ले, आपके पार्टनर थर्ड पार्टी को ब्लॉक करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके जो पार्टनर है ना, वो अपने सेल्फ रेस्पेक्ट को, अपने गुमान को, अपने ईगो को चूज करेंगे, थर्ड पार्टी को चूज करते हुए मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। और मुझे ये भी नजर आ रहा है कि आपके जो पार्टनर है, इस चीटिंग को बहुत स्पोर्टिंगली नहीं लेंगे या इनको एक भी चांस देते हुए मुझे नजर नहीं आ रहे हैं। अब जो आपके पार्टनर करेंगे वो ये करेंगे कि ये अपना ईगो साइड करते हुए ये कहीं ना कहीं अब आपके तरफ जो रिश्ते हैं ना
उसको सुधारने की कोशिश करने की एक पहल करेंगे। ठीक है, बहुत लोगों के पार्टनर का कमबैक हो सकता है आने वाले 7 से 9 महीने के अंदर अंदर, जो मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, आने वाले 7 से 9 महीने के अंदर आपके पार्टनर का एक कमबैक हो सकता है। ऑल्सो मुझे नजर आ रहा है कि ये खुद ही इनिशिएटिव लगाएंगे, ये खुद ही आपसे या तो मिलने की कोशिश करेंगे या तो मैसेज इनका आ सकता है, अनब्लॉक करने के बहुत चांसेस हैं। ठीक है, 7 से 8 हफ्तों के अंदर अंदर ये मुझे आपको अनब्लॉक करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जो भी लोग मैनिफेस्टेशंस कर रहे हैं ना, मैनिफेस्टेशंस को ऑन रखिए। मैनिफेस्टेशंस आपकी पूरी होने के कगार पे पहुंच चुकी है, बस कुछ ही दिनों का इंतजार और है। ठीक है, 9 ऑफ वांड्स का कार्ड आया। ओके, 9 ऑफ वांड्स के नीचे यहाँ पे किंग ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है। ठीक है, तो डेफिनेटली मुझे नजर आ रहा है कि जो प्यार है ना, उसको रियलाइज जरूर करेंगे आपके पार्टनर, और एक लास्ट चांस आपके आपसे जरूर मांगेंगे। ठीक है, अब ये आपके ऊपर है कि आपको ये लास्ट चांस इनको देना है या नहीं देना। हालांकि इस कार्ड का ये भी मतलब निकलता है कि थर्ड पार्टी लास्ट चांस की गुहार लगाते हुए मुझे यहाँ नजर आ रही है, लेकिन आपके पार्टनर एक नहीं सुनेंगे। ठीक है, एक भी नहीं सुनेंगे। यहाँ पे कहीं भी कप्स का कार्ड नहीं है। जो मैं बता दूं, कप्स टैरो में रिप्रेजेंट करता है इमोशन को, यहाँ कहीं भी इमोशंस नहीं, यहाँ सिर्फ पैसे और दिमाग का इस्तेमाल मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, अगर आपको रीडिंग पसंद आई हो, रेजनेट की है, तो प्लीज़ इस एनर्जी को डेफिनेटली क्लेम करिएगा। ऐसी सारी रीडिंग्स देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करें एलओसी लाइफ ऑफ चौधरीज। मिलती हूँ आप सबसे एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।